हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा में आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। हिंदी की वीडियो है ये, गारंटी है आप लोगों को। ये पूरा का पूरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। बस वीडियो को एंड तक सुनना, और एंड तक सुनने के बाद अगर समझ ना आए तो कमेंट करके जाना कि मैडम समझ में नहीं आया है, लेकिन वीडियो को पूरा सुनना। हिंदी में हिंदी ग्रामर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको करा रही हूँ। उसके अंदर टॉपिक है हमारा कारक। कारक मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगी, उसके बाद आप किसी भी बुक में से ट्राई कर लेना, 100% ट्रिक काम करेगी, और पेपर के अंदर आपका एक नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा अगर कारक से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है कारक। हरियाणा में हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, स्टाफ नर्स, हर पेपर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले कारक की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? जो शब्द कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। जो शब्द कर्ता, क्रिया और कर्म में संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक बोलते हैं। कैसे? अगर मैं सीधा ये लिखती हूँ यहाँ पे, राम, रावण, मारा, अगर मैं इस प्रकार से सेंटेंस लिखूंगी तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि सेंटेंस का सही में मीनिंग क्या है। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इसके अंदर कुछ विभक्ति चिन्हों का यूज करना पड़ेगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब जो ये ने और को मैंने यहाँ पे जोड़ा है उनको विभक्ति चिन्ह बोला जाता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कारक भी बोलते हैं। और पहला एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, राम ने रावण को मारा। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो ये ने चिन्ह यूज हुआ है, जो ये को चिन्ह यूज हुआ है, यही क्या है? हमारे पास कारक है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में एक आपको सेंटेंस दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें कर्ता कारक कौन सा है, इसमें कर्म कारक कौन सा है, इसके अंदर संप्रदान कारक कौन सा है। तो वही मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। अब पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम ने रावण को मारा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि क्रिया कौन सी है। पहला काम आपका यही है कि आपको क्रिया पहचाननी है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर वर्ब यानी कि क्रिया कौन सी है, तो इसमें क्रिया कौन सी है? मारा। क्रिया इसमें मारा, खाया, पिया, सोना, मारना, ये सारी क्या होती है? हमारी क्रिया होती है। तो इसमें मारा क्रिया है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज सोचिए कि काम को कर कौन रहा है, यानी मारने का काम कौन कर रहा है? तो मारने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे राम क्या है? कर्ता है। और किसको मारा गया है यहाँ पे? तो रावण को मारा गया है। रावण क्या है यहाँ पे? कर्म है। यानी कि जो काम को करेगा वो कर्ता कारक है, और जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक है। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक नहीं बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। वो ट्रिक आपको याद रखनी है, आपका 100% पेपर में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप हरियाणा ग्रुप डी में देख लेना, या फिर हरियाणा में क्लर्क के पेपर में देख लेना, ग्राम सचिव में तो साहित्य से क्वेश्चन आया था, लेकिन जरूरी नहीं है हर पेपर में लिटरेचर ही पूछा जाए। अभी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ, उसमें हिंदी ग्रामर ही आई है, तत्सम, तद्भव आया, समास आई है, संधि आया है। तो आगे आने वाले पेपर में ग्रामर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्ता कारक है, क्रिया कारक है? कुछ तो सिंबल्स होते हैं, डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि राम ने, अगर ने आता है तो हमारे पास कर्ता कारक है, अगर को आता है साथ में तो कर्म कारक है। हम पहचानेंगे कैसे? एक और एग्जांपल लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। सिंपल, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? मारा। सबसे पहले काम कर कौन रहा है? राम काम कर रहा है, तो राम यहाँ पे क्या है? कर्ता है। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है, तो रावण यहाँ पे क्या है? कर्म है। अब इसको किससे मारा है? जिसकी सहायता से कोई काम होता है ना, जिसकी सहायता से कोई काम होता है वो करण कारक होता है। यानी बाण से मारा है, तो बाण से मारा है तो इसमें कौन सा कारक है? बाण से में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। अब पेपर में अंडरलाइन आएगा, पूरा सेंटेंस देके उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि राम ने में कौन सा कारक है, तो आपको आंसर देना कर्ता कारक। रावण को में कौन सा कारक है? कर्म कारक। बाण से में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। कारक के टोटल भेद कितने होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आपने हमेशा से ये पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की,
अधिकरण में और पर और संबोधन में हे हो अरे ये सारे आ जाएंगे, यानी कि ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर के अंदर विभक्ति चिन्ह आए। अगर आएगा तो हमें पता ही चल जाएगा, लेकिन अगर ना आए तो भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा कारक है। जो ट्रिक मैं बताऊंगी वो ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो इस टॉपिक के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक में आपको उसका फायदा होगा। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, अब से यहाँ भी आ रहा है और से नीचे भी आ रहा है, दोनों में से आ रहा है, एक में करण है और एक में आपादान है, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे से का मतलब है जिसकी सहायता से कोई काम हो रहा है, और यहाँ पे से का मतलब होता है अलग होने के अभाव में। यानी कोई चीज अगर किसी से सेपरेट होती है तो वहां पे आपादान कारक होता है। अब देखिए वन बाय वन मैं सभी को डिफाइन करती हूँ, आराम से समझना, सारी चीजें समझ में आएगी, सारी डेफिनेशंस नीचे लिख रखी है मैंने, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। सबसे पहला कारक कौन सा है? हमारा कर्ता कारक। डेफिनेशन क्या है? जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर कर्ता कारक होता है। अभी हमने किया था, सबसे पहला था कर्ता ने कर्म को, तो ने चिन्ह का जहां प्रयोग होगा वहां पे कर्ता कारक होगा, अर्थात काम को करने वाला। जैसे मैंने बोला राम ने खाना खाया, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? खाया, खाया क्रिया है यहाँ पे। यहाँ पे खाना खाने का काम कौन कर रहा है? तो आंसर क्या आएगा भी? राम कर रहे हैं, तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। वैसे भी इसके साथ सिंपल में लिखा हुआ है ने, ने अगर लिखा हुआ है तो वहां पे कर्ता कारक है। अब नीचे देखिए, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो उसमें हमें ने मिलेगा, वहां से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस वर्तमान और भविष्य में है तो वहां पे ने का प्रयोग नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे राम सो रहा है, इसमें अगर राम के नीचे अंडरलाइन पेपर में कर दिया और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आप कैसे बताओगे? अब जिसने रट्टा लगा रखा होता है कि कर्ता ने, अब ने तो नहीं आ रहा ना, ऐसे थोड़ी लिखेंगे राम ने सो रहा है, सिंपल लिखा हुआ है राम सो रहा है। अब इसमें मुझे बताओ क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है? यहाँ पे सो रहा है, ये क्रिया है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, रट्टा नहीं लगाना कि कर्ता ने हमेशा, याद कैसे रखोगे? क्रिया के साथ जो भी वाक्य दिया होगा उसके अंदर क्रिया ढूंढनी है, और क्रिया के साथ आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपने पूछना है कौन, कौन का क्वेश्चन अगर आप लोग पूछ लोगे और आप लोगों को आंसर मिलेगा तो वही कर्ता कारक होगा। जैसे अगर मैं पूछती हूँ आपसे कौन सो रहा है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? राम, ठीक है। जैसे ही राम आंसर मिल गया तो राम क्या हो जाएगा? हमारा वहां पे कर्ता कारक है, ठीक है। राम ने खाना खाया, अब या तो कौन का आंसर पूछना है या फिर किसने का क्वेश्चन पूछना है आपने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ किसने खाना खाया, यहाँ पे क्रिया कौन सी है? खाया, तो मैंने आपसे पूछा किसने खाना खाया या फिर कौन खाना खा रहा है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? राम, यानी कि राम क्या हो जाएगा इसमें? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में देखो, राम अब पढ़ेगा, पढ़ेगा क्या है यहाँ पे? क्रिया है। कौन पढ़ेगा, तो आंसर क्या आएगा भी? राम आएगा, तो राम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। राम ने मधुर गीत गाया, मधुर गीत किसने गाया, तो आंसर क्या आएगा आपका? राम, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ता कारक हो जाएगा। यानी याद क्या रखना है, जो भी आपके पास सेंटेंस होगा उसमें जो भी क्रिया होगी उस क्रिया के साथ आपने क्वेश्चन पूछना है, या तो कौन या फिर किसने। अब जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका कर्ता कारक होगा, ये 100% है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों का टेस्ट भी लूंगी, मुझे बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है, वो भी समझ के। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। वह संज्ञा शब्द जिसके ऊपर कर्ता को छोड़कर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक। यानी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। जैसे मदन ने रमेश को पुस्तक दी, सबसे पहले यहाँ पे क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? देना, ठीक है, देना क्रिया है। यहाँ पे पुस्तक देने का काम कौन कर रहा है? किसने पुस्तक दी? आपका आंसर क्या आ गया? मदन ने। तो मदन क्या है यहाँ पे? कर्ता कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कर्म ढूंढना है हमें, तो कर्म कैसे पता चलेगा? किसको दी? क्रिया के साथ एक क्वेश्चन पूछना है आपको, किसको। जब किसको का आंसर आप लोगों को मिलेगा वही आपका कर्म कारक होगा। पहले वाले में क्या था? एक क्वेश्चन पूछना था कौन या फिर किसने, ठीक है, या फिर खाना खाया, राम ने खाना खाया, किसने खाना खाया, तो आंसर क्या मिल गया? राम ने। तो या तो कौन पूछोगे या किसने, इसमें क्या क्वेश्चन पूछना है आपने? किसको। जैसे आपने बोला मदन ने रमेश को पुस्तक दी, तो मैंने आपसे पूछा
सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि किसने पुस्तक दी है, तो आपका आंसर क्या आया, मदन ने। तो मदन ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट है किसको दी है, तो आंसर क्या आया, रमेश को। रमेश को पुस्तक दी है, तो रमेश क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्म कारक। क्या दी है, तो भी आंसर क्या है आपका, पुस्तक। तो पुस्तक भी कर्म कारक है यहाँ पे, यानी दो क्वेश्चन पूछने हैं आपने। कर्म कारक की पहचान क्या है, क्रिया के साथ दो क्वेश्चन पूछोगे, या तो क्या का क्वेश्चन या फिर किसको का क्वेश्चन। ये दोनों का अगर आंसर आपको मिल रहा है वही कर्म कारक है, और एक वाक्य के अंदर दो कर्म कारक भी हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्रिया की पहचान करनी है, जैसे नीचे वाले सेंटेंस में आप देखिए, माँ ने बेटे को खाना खिलाया, यहाँ पे क्रिया क्या है, खिलाया। सबसे पहले यहाँ पे खाना कौन खिला रहा है, यानी कि खाना किसने खिलाया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माँ ने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता कारक। किसको खिलाया, तो आंसर क्या आएगा, बेटे को। किसको का आंसर क्या होता है, कर्म। क्या खिलाया, तो आंसर क्या है आपका, खाना। आंसर आ रहा है ना, आंसर आना चाहिए। मैंने बोला क्या खिलाया, तो आपने बोला खाना, तो खाना क्या है, कर्म कारक। किसको खिलाया, तो आपका आंसर क्या आ गया, बेटे को। बेटे को खिलाया है, तो कर्म कारक, ठीक है। किसने खिलाया है, तो माँ ने। माँ ने खिलाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछने हैं आपने, क्रिया से पहले क्या या किसको का उत्तर मिले तो वो कर्म कारक होगा। बिल्कुल साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैंने, और इसकी जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कल जो मैंने वीडियोस अपलोड करी थी उसके अंदर जो प्लेलिस्ट थी, प्लेलिस्ट का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, पीछे से ही टेक्निकल फॉल्ट है, हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है। अगर प्लेलिस्ट का लिंक ओपन नहीं होता तो आप चैनल पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, मिशन गवर्नमेंट जॉब, और ऊपर जो अपने पास बटन आते हैं वहाँ पर वीडियो लिखा होता है, कम्युनिटी टैब होती है और प्लेलिस्ट होती है, वहां पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, या फिर हिंदी है, या फिर इंडिया GK है, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको उसके अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रही हूँ वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है किसी कारण से, फिर जैसे ही टेक्निकल इशू खत्म हो जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। और एक चीज और भी, हिंदी के अंदर कारक की वीडियो तो मैं अपलोड कर रही हूँ, उसके अलावा अगर आपको संधि करनी है, अगर आपको समास करना है, रस करना है, अलंकार करना है, संधि समास रस अलंकार, ये सारी वीडियोस मैंने ट्रिक से अपलोड कर रखी हैं, और वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। अगर ओपन होती है तो ठीक है, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप सारी वीडियो देख लेना। ना तो संधि में आपको प्रॉब्लम आएगी, ना समास में प्रॉब्लम आएगी, ना अलंकार में प्रॉब्लम आएगी, हर चीज ट्रिक से कराई गई है। लगभग संधि समास 90,000 बच्चों ने देख रखी है, आप लोग देख के देखना, 100% आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है, देखना जरूर एक बार आप। तो कर्ता कारक हमने कर लिया, कर्म कारक हमने कर लिया, नेक्स्ट वाला कारक है हमारा करण कारक। करण कारक की पहचान क्या होती है, या तो से मिलेगा या फिर के द्वारा मिलेगा, यानी जिसकी सहायता से कोई काम होगा वो कौन सा होगा, करण कारक होगा, ठीक है, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाएगा। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिया कौन सी है, लिखा। पहला क्वेश्चन, पहले हम कर्ता की पहचान करते हैं, यहाँ पे किसने लिखा है, जब किसने का आंसर मिलेगा तो आंसर क्या आया आपका, राम ने। तो राम ने में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। किसको लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसमें दे ही नहीं रखा कि किसको लिखा है, सिंपल ये लिख रखा है राम ने कलम से पत्र लिखा, किसको का तो आंसर मिला ही नहीं, क्या लिखा है तब आपका आंसर क्या आया, पत्र। तो पत्र भी क्या है, कर्म कारक। किसकी सहायता से लिखा है, तो आंसर क्या आ गया, कलम की सहायता से, ठीक है, कलम की सहायता से लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जिसकी सहायता से कोई काम होगा वो करण कारक होगा। पेपर में इस प्रकार से आएगा, राम ने कलम से पत्र लिखा, कलम से पत्र लिखा, अंडरलाइन कर दिया जाएगा कलम से, कि इसमें कौन सा कारक है, चार ऑप्शन दिया जाएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, तो कलम से में कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, यानी जिसकी सहायता से कोई काम होगा वो करण कारक हो जाएगा। आगे समझ में, अगर इस सेंटेंस को वो ऐसे बना देते हैं, राम ने कमल को कलम से पत्थर लिख कर दिया, या कलम से पत्थर लिख कर दिया,
ठीक है। तो यहां पर किसको पत्थर लिख कर दिया है, तो आंसर आ जाएगा कमल को। तो कमल को क्या हो जाएगा इसके अंदर, कर्म कारक। क्या दिया है, पत्थर दिया है, तो पत्थर भी क्या हो जाएगा इसमें, कर्म कारक। किससे लिख कर दिया है, कलम से लिख कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, करण। किसने दिया है, राम ने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाएगा वो संप्रदान कारक है। हम किसी ना किसी के लिए कर रहे हैं, या तो हम लोग खुद के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं। जिसके लिए भी हम कोई काम करते हैं वो संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे हमने पहला सेंटेंस क्या किया था, राम ने रावण को, आगे हम इसको और एडिट कर देते हैं, सीता के लिए बाण से मारा। एक ही सेंटेंस में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, बाण से मारा, ठीक है। राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। यहाँ पे क्रिया क्या है भी, मारा है। किसने मारा है, राम ने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ता कारक, ठीक है। किसको मारा है, तो रावण को, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। किसके लिए मारा है, तो सीता के लिए, तो सीता के लिए में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। किससे मारा है, तो बाण से मारा है, तो बाण से, जिसकी सहायता से कोई काम होगा वो क्या हो जाएगा, करण कारक। तो चारों कारक हो गए इसके अंदर, एक ही लाइन में याद रख सकते हो आप, चारों के चारों कारक। जो काम को करेगा, यानी कि किसने, किसने का आंसर मिलेगा या कौन का आंसर मिलेगा, तो वो कर्ता होगा, ठीक है। किसको का आंसर मिलेगा या फिर क्या का आंसर मिलेगा, तो वो हो जाएगा कर्म कारक। जिसके लिए कोई काम होगा वो संप्रदान कारक, जिसकी सहायता से कोई काम होगा वो हो जाएगा करण कारक। आगे समझ में। जैसे सेंटेंस देखिए, मदन अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदेगा। अब कपड़े खरीदेगा, कौन कपड़े खरीदेगा, तो आंसर क्या आएगा, मदन। मदन तो यहाँ पे करता है। किसके लिए खरीदेगा, तो अपनी बहन के लिए, तो अपनी बहन के लिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्या खरीदेगा, तो आंसर क्या आएगा भाई, कपड़े। तो क्या का आंसर जो मिलता है वो क्या होता है, कर्म कारक होता है। आ गया समझ में। सारी चीजें आप लोगों को मैंने ट्रिक से बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपादान कारक। जहां पर से का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन अलग होने के सेंस में हुआ है, वहां पर आपादान कारक है। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा अलग होने के सेंस में ही हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने की बोध हो, या फिर तुलना करने का भाव प्रकट होता है, या फिर इसके अतिरिक्त घृणा, डरने का भाव, लजाने का भाव होता है, तो वहां भी आपादान कारक ही होता है। जैसे छात्र कक्षा से बाहर गए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कौन बाहर गए हैं, कौन बाहर निकले हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छात्र। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। किससे बाहर निकले हैं, तो कक्षा से। अब इसकी सहायता से कोई काम थोड़ी हो रहा है, यहाँ तो अलग होने का भाव हो रहा है, तो अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे आपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या गिरते हैं, तो आंसर क्या आएगा, पत्ते। तो ये तो हो गया कर्म कारक, ठीक है। अब किससे गिरते हैं, तो पेड़ से गिरते हैं ना, अलग होने का सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो अलग होने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आपादान। काम थोड़ी कर रहा है कोई यहाँ पे, पेड़ से पत्ते तो अपने आप गिर रहे हैं वहां पे, काम करने वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, कर्ता कारक तो है ही नहीं, लेकिन कर्म तो है ना, क्योंकि पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे, तो प्रभाव तो पड़ रहे हैं, लेकिन किससे गिर रहे हैं, तो पेड़ से गिर रहे हैं, तो यहाँ पे आपादान कारक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक जिसके अंदर का, के, की, रा, रे, री का रिलेशन होता है, उसको हम संबंध कारक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, राम की बहन पढ़ने में होशियार है। सिंपल सा हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन दी है। जैसे सीता के पिताजी डॉक्टर हैं, राम की बहन पढ़ने में होशियार है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो सिंपल इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, अब राम की बहन, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। कोई और इसके अंदर ना कोई कर्ता है, ना कोई कर्म है, कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन बोली गई है, सीता के पिताजी डॉक्टर है, तो वहां पे रिलेशन बताया जा रहा है, तो वहां पे संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, मे या पर का साउंड आता है यहाँ पे, जहां पे क्रिया के लिए कोई आधार प्रकट करता है। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, किस पर बैठा है, तो आंसर क्या आएगा, डाल पर। तो जिसके ऊपर कोई चीज होती है उसको हम अधिकरण कारक बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे कि मैं कॉपी पर लिख रही हूँ, कॉपी पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कॉपी पर पेन से लिख रही हूँ,
एक और ऐड कर देते हैं, मैं कॉपी पर पेन से लिख रही हूं। तो यहां पर मैं किससे लिख रही हूं भी, पेन से। तो जिसकी सहायता से कोई काम होता है वो क्या होता है, करण कारक। किस पर लिख रही हूं, तो कॉपी पर लिख रही हूं, तो जिसके ऊपर कोई चीज होती है वो क्या होती है, हमारी अधिकरण कारक होती है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई चीज होती है वो अधिकरण कारक होती है। मैं और पर इसका विभक्ति चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट कारक है हमारे पास संबोधन कारक। इसके अंदर साउंड होता है हे, अरे, अचानक जब कोई चीज होती है तो वो संबोधन कारक होता है। जैसे हे ईश्वर, उस अनाथ पर दया करो, तो हे ईश्वर का जो ये साउंड है ये संबोधन कारक है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं ना, अरे ये क्या हो गया, या फिर बोलते हैं हे भगवान मुझे पास करवा देना। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो भगवान भी आप लोगों की सुनेंगे, तो वहां पे संबोधन कारक का यूज किया जाता है। आ गया समझ में? तो अब हमारे पास यहाँ पे टेस्ट है। अब टेस्ट के अंदर आप लोग खुद से देखना पहले कि आप लोगों को कितने ऑलरेडी यहाँ पर पता थे, कितने क्वेश्चन, वैसे आंसर मैंने लिख रखे हैं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करना। जैसे हम रेलगाड़ी से आए हैं, हम रेलगाड़ी से आए, इसमें रेलगाड़ी से में कौन सा कारक है। अब जिसकी सहायता से कोई चीज होती है उसमें कौन सा कारक होता है, भी करण कारक होता है, तो इसमें करण हो जाएगा। हवन के लिए सामग्री लाओ, जिसके लिए कोई काम होता है, के लिए आ रहा है, के लिए किसमें आता है, संप्रदान में। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसने मारा, कुत्ते ने, तो ये क्या हो गया, कर्ता कारक। किसको मारा, बिल्ली को, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक। ठीक है, आम पेड़ से गिर पड़ा, अब यहाँ पे पेड़ से में कौन सा कारक है, अब पेड़ से अलग हो रहा है ना वो, तो इसमें आपादान कारक हो जाएगा। चूहा बिल्ली से डरता है, अब इसमें एक्सेप्शन, अब बिल्ली से, अब से वाले में या तो करण होगा या फिर कौन सा होगा, आपादान होगा। और मैंने आपको बताया था आपादान में डरने का, लज्जाने का, घृणा का भाव भी होता है ना, वहां भी आपादान कारक ही होता है। अब चूहा जब बिल्ली से डरेगा तो उससे दूर भागेगा और अलग होने का सेंस भी आएगा, तो बिल्ली से में क्या हो जाएगा, आपादान कारक। फल मेज पर रख दो, पर वाले में कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है। दिव्या के पिताजी डॉक्टर है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पे, तो संबंध कारक हो जाएगा। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो सारे के सारे कारक मैंने आपको करा दिए। कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। संधि, समास, अलंकार, रस, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कंप्यूटर के भी जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैंने सारे आप लोगों को पहले से करवा रखे थे। तो कंप्यूटर की वीडियो आप लोग जरूर सुनना, प्लेलिस्ट में जाना, कंप्यूटर के सारे पार्ट आप लोग अटेंड कर लेना। वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर ना चले तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ओपन कर लेना, वहां पे सारी वीडियो चल जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, 1500 प्लस जीके की मैंने मैराथन ले रखी है, जिसके अंदर मैंने 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं। 3 घंटे की वीडियो है, हर पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो आप ज़रूर सुनना। और डेली जीके की सीरीज़ जो मैंने चला रखी है 2000 प्लस क्वेश्चन की, चैनल पे भी जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वो सीरीज़ डेली आप लोग देखा करो। 10 वीडियो अपलोड हो चुकी है और डेली उस पर एक वीडियो अपलोड होती है, और मैं डेली 50 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। आप लोग वो सीरीज जरूर ज्वाइन करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा पेपर के अंदर। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये वीडियो आप जरूर सुन के जाना पेपर से पहले। हो सकते हैं जो इंडिया जीके के 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इसी सीरीज से मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आप देखना जरूर, आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।